और आज मैं आ गया हूँ भाई भागीरथ प्लेस मार्केट। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएंगी, झूमर मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ और आज मैं आ गया हूँ भाई भागीरथ प्लेस मार्केट। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक आइटम मिल जाएंगी, झूमर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक के सारी आइटमें मिलेंगी। आज हम इस मार्केट में चलेंगे और देखेंगे क्या हमें देखने को मिलता है। सब कुछ दिखाऊंगा अपने इस वीडियो पे। आप वीडियो पे बने रहना। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको लाल किला पड़ेगा। आपको मेरे पीछे लाल किला दिख रहा होगा। गेट नंबर 4 से आपको उतर के इस तरफ आना है। आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बाहर की लोकेशन दिखा दूं। ये मार्केट पड़ेगी कहाँ, ये आप देख सकते हैं, भागीरथ प्लेस मार्केट है, ठीक है। और यहाँ इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये लाल किला है। अगर आप लाल किला से आते हैं तो आपको गेट नंबर 4 मेट्रो स्टेशन में उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। अगर आप चांदनी चौक से आएंगे तो आपको इधर से आना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं, जो भी सामने आएगा मैं आपको दिखाता हुआ चले जाऊँगा। तो मार्केट का व्यू तो आपको दे दूँ पहले, थोड़ा कैसा रहता है, उसके बाद चलेंगे किसी शॉप पर, जो भी सामने आएगा आपको दिखाता हुआ चले जाऊँगा। तो मार्केट यहाँ शुरू हो जाती है। शुरू में हमें यहाँ इस तरह की लाइटिंग देखने में मिली, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो चलो किसी शॉप पे चलते हैं और पता करते हैं प्राइस। तो भाई हमें घुसते के जाते ही लेफ्ट साइड के अंदर हमें ये देखने में मिले, आपको इस तरह के यहाँ बोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये राम लिखा हुआ है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, इस तरह के आपको ये बोर्ड मिल जाएंगे। देखो भगवान गणेश ही बने हुए हैं, इस तरह के आपको लाइटिंग वाले बोर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। भैया से पता करेंगे, भैया जी ये किस किस प्राइस के पड़ते हैं? ये राम का बोर्ड है, किस प्राइस का पड़ेगा? 600 रुपये का भैया, ये 600 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना भैया? साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जैसे ये बना हुआ है, ये कितने का? 500। ये 550 का पड़ेगा, ठीक है। और भैया जी ये हैप्पी बर्थडे का कितने पड़ेगा? ये 1800 का पड़ेगा, ठीक है। और ये एनिवर्सरी का सेम प्राइस है भैया, ठीक है। और भैया भगवान गणेश जी की जो बनी हुई है, ये 2500 की मिलेगी। ये बहुत सुंदर लग रही है भाई देखने के अंदर, ठीक है। और ऐसे कुछ भैया कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी बन जाएगा भैया के पास, ठीक है। आप 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए? 3 से 4 दिन का टाइम चाहिए। अच्छा, जब बनवाते हैं तो अक्षर के हिसाब से पैसे लेंगे? स्क्वायर फुट के हिसाब से लेंगे। मान लो कितना है स्क्वायर फुट के साथ? 800 रुपये। अच्छा, रिटेल में 1000 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा, ठीक है। और होलसेल में 800 रुपये, आप देखो, आप 850 रुपये, ठीक है। तो ये ओम साइज कितना पड़ेगा भैया जी? ओम साइज राम के 2500 रुपये। 2500। ये वेलकम वाला? ये वाला 650। 650 रुपये का भैया, इस तरह आपको ये चीज़ मिल जाएंगी। भैया ने प्राइस बता दिया कि भैया का एक विजिटिंग कार्ड मैं देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। भैया का विजिटिंग कार्ड ये है, आप आ सकते हैं, ठीक है। आपको पूरा एड्रेस दिख रहा होगा। अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो आप फ़ोन नंबर भी है तो पता कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट के अंदर। और भाई आपको यहाँ पर ना इस तरह की लड़ियाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये लड़ियाँ ज़्यादातर दिवाली पे यूज़ होती हैं,
जब कोई घर में त्यौहार होता है या फिर कोई ब्याह शादी होती है जब भी ये यूज़ की जाती है। भैया ये लड़ी कहाँ से शुरू जाती है रेटिंग के? भैया स्टार्टिंग प्राइस तो 9 रुपये से स्टार्टिंग होती है। 9 रुपये से? 9 रुपये से स्टार्टिंग होती है, बट कंडीशन इसकी अभी माल आने में है सबका। अच्छा, सबके कंटेनर चले हुए हैं चाइना से, बट जब आ जाएगा तो 9 रुपये से स्टार्टिंग हो जाता है। कम से कम 9 रुपये शुरू होती है। वो भी माल है नहीं अपने पास? नहीं, वो है नहीं, क्योंकि क्या होता है वो सिर्फ डिमांडेड पे होता है। डिमांड पे? हाँ, ओनली फॉर जैसे विलेज हो गया। आपके इसमें कहाँ से रेंज शुरू होती है? सर ये जो है अभी पिक्सल में वाटर प्रूफ में 45 रुपये पर पीस है। ये 45 रुपये पीस है भैया, ठीक है। और कितने मीटर होगा भैया जी? 15 मीटर। 15 मीटर में भैया ये मिलेगा। और भैया इसके बाद ये वाला सेम कलर्स ढेर सारे हैं, रेट सेम है। अच्छा, कलर अलग है, रेट सेम है, ठीक है। 25 मीटर। और देखते हैं भैया, 25 मीटर सारे छः सौ। ये डिजाइनदार मतलब कितने पड़ेंगे सर? ये जो मतलब आप देख रहे हो ये 130 रुपीज़ का सेट है होल्डर के साथ। अच्छा, 130 रुपये का भाई होल्डर के साथ मिलेगा रस्सी। ये भैया कहाँ यूज़ होते हैं? ये कैफे हो गया, कैफेटेरिया हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, बार हो गया, या फिर घर में जहाँ कोई नया घर बन रहा है उसके लिए यूज़ होता है, वहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे मॉडल हैं भैया। ये सेम प्राइस है सारे? नहीं, ये 130 है, ये 200 है। ये 200 है, ये थोड़ा महंगा है। ये वाली जो आपको 200 रुपये पड़ेगी, ठीक है। और भैया के पास ऊपर देखो कितनी सारी लाइटें हैं, इनके बारे में पता करेंगे। भैया इनको बोलते क्या है इनको? सर इसको असेंबली पाइप बोलते हैं, असेंबली पाइप। ज़्यादातर यूजिंग होती है सीलिंग में हो गया, आपके होटल्स के जो आउटर्स कवर्स करने के लिए होते हैं। अच्छा अच्छा, भैया ये किस किस प्राइस पड़ती हैं? ये सब स्टार्टिंग रेंज इनका 550 से हो जाता है, बट रेंज होता है मीटर के ऊपर डिपेंड होता है। अच्छा, आपको 400 रुपये में बंडल मिल जाएगा, मगर कंडीशन क्या है वो 12 से 13 मीटर का होगा। अच्छा, ये 25 मीटर का बंडल है, 600 रुपये का, कलर आप कोई सा ही ले लो। 600 रुपये 25 मीटर का बंडल आएगा, कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। भैया ये बल्ब कितने पड़ेंगे? तो क्या सर रोटेटिंग बल्ब बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोटेटिंग बल्ब। रोटेटिंग बल्ब ये कितने पड़ेगा? ये सर 42 रुपये पर पीस। ये 42 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और भैया के पास ऐसी लाइटें भी, ये लाइटें किसी सर? ये इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज होती है, टेंट में यूज लगती है, या फिर घर के आउटडोर लगाना हो, हैवी लाइटिंग यूजिंग। कहाँ से रेंज सर? ये तो स्टार्टिंग 120 रुपये से जाती है, मगर इसकी रेंज जो है आपकी 7000-8000 तक पहुँचती है। 7000-8000 तक पहुँचती है। 120 वाला कौन सा भैया जी? सर इससे आपको 120 रुपये का दिखाता हूँ। ये 120 रुपये लाइट पड़ेगी भैया, चल जाएगा। अच्छा, कनेक्शन नहीं है भैया? कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये 120 रुपये पड़ेगा। बाकी और बड़ी बड़ी भी इनके पास भैया के पास है, ठीक है, जो कमर्शियल में यूज़ की जाती है, वो वाली लाइटें पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं। भैया जी का मैं एड्रेस बता देता हूँ कहाँ पड़ेगा। भैया ये क्या चीज़ है? सर ये स्ट्रिप लाइट है, 5 मीटर मल्टी कलर की होता है, इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे मंदिर में लगाना हुआ। अच्छा, किसी अच्छा, आपको जैसे ये वाली, ठीक है, ये चीज़ है भैया, ठीक है। ये किस हिसाब से पड़ेगी? सर ये 150 रुपये पर पीस है। ये 150 रुपये, 150 रुपये के आसपास। भैया सिंगल भी लेते हैं या ज़्यादा लेंगे जब लेंगे? नहीं, वैसा कोई इशू नहीं है, जैसे सिंगल भी ले सकते हैं आप, जैसा लेना चाहो। ये सिंगल भी ले सकते हैं भैया। ये थोड़ा सा एड्रेस बताएं कहाँ आपकी? सर ये पुलिस चौकी, आप सीधा एंटर करेंगे बाहर से मैकडॉनल्ड के बगल से। हाँ जी, हाँ जी, सीधा आप अंदर आओगे, पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के जस्ट बैक साइड में दुकान। तो भैया हमारे यहाँ बैठते हैं, भैया से मिलकर वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट के अंदर। भाई आपको यहाँ पर इतने बड़े बड़े LED बल्ब मिल जाएंगे, ठीक है। भैया LED नहीं, ये LED बल्ब मिल जाएंगे भाई। भैया से प्राइस पता करेंगे, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। भैया सबसे छोटा वाला कौन सा आपके पास? 9 वाट। सबसे छोटा वाला 9 वाट का भैया के पास। भैया वो कौन सा है 9 वाट वाला? 9 वाट ये वाला। ये वाला है? ये भी है, ये भी। अच्छा, ये दोनों 9 वाट के। भैया कितने पड़ता है? 25 रुपये। ये 9 वाट का 25 रुपये पड़ता है, ठीक है। और बाहर लेने जाओगे तो मेरे ख्याल 50 रुपये पड़ता है, पर 60 रुपये पड़ता है। यहाँ आपको केवल 25 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अब ये इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद 15 वाट। ये 15 वाट का भैया जी, ये कितने पड़ेगा? 50 रुपये। ये 50 रुपये पड़ेगा 15 वाट का। अब ये इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद 30 वाट। ये 30 वाट का आता है भाई। ये कितने पड़ेगा भैया जी? 150 रुपये। 30 वाट का 150 रुपये पड़ेगा, ठीक है। और भैया जी इसके बाद कौन सा आता है? ये आता होगा 40 वाट। ये 40 वाट, ये कितने पड़ेगा? 200 रुपये। ये 200 रुपये का। और ये भी 40 वाट है? ये भी 30 वाट। 50 वाट। अच्छा, 50 वाट का भी भैया के पास। ये 50 वाट वाला कितने पड़ेगा भैया जी? 250। 250 रुपये का। और भैया साथ में जो लगा हुआ है बड़े वाला? 80 वाट, 300। 80 वाट है वो भाई? 80 वाट तक का भैया के पास मिल जाएगा, 300 रुपये का बता रहे हैं भैया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे बल्ब रखे हैं भैया ने, ठीक है। और स्पेशली इसी चीज़ काम है ये भी। हाँ, तो भाई आपको यहाँ पर इतने सस्ते सस्ते भाई ये बड़े बड़े बल्ब है, LED बल्ब बोलते हैं भैया इनको, LED बल्ब मिल जाएंगे, हमारे भाई की शॉप है, ठीक है। और बिल्कुल ये यहाँ बैठे हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको, कहाँ बैठे हैं? ट्रांसफार्मर के बराबर, ट्रांसफार्मर के बिल्कुल बगल में बैठे हैं, क्या बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट के अंदर। अब भाई आपको यहाँ पे हैंगिंग लाइट मिल जाएंगी इस तरह की, देखते हैं कितने सुंदर सुंदर है, ठीक है। इधर भी देखो भैया से प्राइस पता करेंगे, जानेंगे पूरा प्राइस किस किस प्राइस में हमें यहाँ मिलने वाली है। तो चलो भैया से मिलते हैं। हाँ, तो भैया से प्राइस पता करते हैं ये हैंगिंग लाइट का। भैया ये जो लाइट है कहाँ से शुरू हो जाती है, किस किस प्राइस से शुरू हो जाती है? और ये अच्छा पहले ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है भैया? ये
ये चैंडलियर में यूज होता है, झूमर में। झूमर में यूज होता है। ये लाइट झूमर में यूज की जाती है, ठीक है। और वैसे कैफे में भी यूज होता है, रेस्टोरेंट में यूज होता है, रेस्टोरेंट में यूज होता है, सब चीजों में लग जाता है। अच्छा भैया, इसकी कहाँ से रेंज शुरू हो जाती है? ये रेंज शुरू हो जाता है भैया 15 रुपए से। 15 रुपए का कौन सा रहेगा भैया? 15 रुपए का बल्ब ये वाला होगा भैया। ये रहेगा भाई 15 रुपए का बल्ब। ये अलग से लेना पड़ेगा 4 रुपए ना? अगर ये आप शैंडलियर में लगाओगे तो उसमें होल्डर ऑलरेडी लगे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर वैसे ही आप किसी चीज में लगाओगे तो होल्डर अलग से मिल जाएगा आपको। अलग से मिल जाएगा। टांगना हो या कुछ जैसे तो बना बनाया है, ये कितने पड़ेंगे? ये बना बनाया है 1400 रुपए का, 5 पीस का सेट है। ये 5 पीस का सेट है, अलग अलग है, 1 2 3 4 5। ये देखो ऊपर जो है ना, ये 5 पीस का सेट है, ठीक है भैया। जैसे हमें कोई और मॉडल पसंद आया तो वो भी लगा सकते हैं ना? हाँ हाँ, अगर तो, सिंगल में लेते हो ना ये, हाँ, 180 का खाली लाइट है, ये होल्डर अलग हो जाएगा, वो प्लेट अलग हो जाएगा। ये मैं सारा कंप्लीट बताया तुम्हें। ये कंप्लीट है, 5 का सेट है, ठीक है भैया। जैसे सिंगल ये सिंगल कितने पड़ेगा भैया? जैसे सिंगल बल्ब है ये सिंगल, हाँ जी, ये 100 रुपए का है होल्डर के साथ। हाँ, ये होल्डर के साथ 100 रुपए पड़ेगा। ये देखो इस तरह का, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इधर भी बड़े बड़े बल्ब भी हैं भैया। ये बड़े वाला कितने पड़ेगा? ये 95 का है, 50 पीस का बॉक्स होता है। अच्छा, 50 पीस का बॉक्स होता है। और ये 5 भैया ने सेट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे हैं भैया। ये लंबी वाली जो है ये कितनी पड़ेगी? ये लंबी वाली होता है 170, 12 इंच का है, 6 वॉट। वैसे तो पूरा सेट ही आएगा मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं, खाली ये इसका बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, नहीं वैसे अगर पूरा सेट लेना चाहो तो सेट भी, अगर सेट लेना चाहो सेट भी दे देंगे। अच्छा, ये होता पूरा, ये है भाई, ठीक है। ये कितने बताया आपने? 170 का बताया। ऐसी बहुत सी लाइट है और ये अलग अलग है। ये आपने यहाँ टांग रखे ना, इसमें ये वाला देखो। अच्छा, ये 100 पीस का बॉक्स होता है, 55 रुपए। ये 55 रुपए पड़ेगा, 100 पीस का बॉक्स होता है, ठीक है। इस तरह आपको यहाँ ये चीजें मिल जी। ये कौन सी है, कौन सी लाइट होती है? ये स्पोर्ट लाइट है, वॉल लाइट। अच्छा, स्पोर्ट है। ये जो इसमें लगाते हैं ना कपड़ों की दुकानों में। अच्छा अच्छा अच्छा, फोकस वाली लाइट है ये। अच्छा, ये कितने की पड़ेगी भैया जी? ये 30 वॉट के अंदर है। 30 वॉट के अंदर है, कितनी पड़ेगी? ये होता है 700 का, 700 रुपए का। हाँ, ये 700 रुपए पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के अंदर 700 रुपए का, वैसे आपको मिल जाएगा। अगर लो क्वालिटी लोगे 550 रुपए। ये छोटी वाली, ये 10 वॉट है, 350 रुपए का। ये 10 वॉट है, 50 पीस का बॉक्स होता है। 50 पीस का बॉक्स होता है भैया जी। ये कौन सी लाइट है जो ये जो है? ये फ्लड लाइट है। अच्छा, ये कितने की पड़ेगी भैया ये छोटी वाली? ये 50 वॉट का है। 50 वॉट कितने पड़ेगा? 430 रुपए का, 10 पीस का बॉक्स है। 400 कितने का? 430 का, 430 रुपए का, 10 पीस का बॉक्स है, 4300 का। और ये बड़े वाला कितना वॉट का है? ये सेमी प्राइस है। सेमी प्राइस कितने का? भाई 430 रुपए, सेम प्राइस है। सेम प्राइस है भैया। आपकी शॉप का नाम क्या रहेगा, थोड़ा बताएंगे? रामा ट्रेडिंग कंपनी है। कहाँ पड़ेगी भैया? ये भागीरथ पैलेस में है। अगर चांदनी चौक पूछना हो तो कैसे पूछे? चांदनी चौक में पूछ लेना, भागीरथ पैलेस। हाँ जी, भागीरथ पैलेस आते हैं आप रामा ट्रेडिंग पूछोगे, 1877/1 शॉप नंबर है, तो इजीली आ जाओगे आप, तो चांदनी चौक से एंट्री करो। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे भैया की ये शॉप है, अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप आ सकते हैं। तो चलो और देखते हैं क्या खास है इस मार्केट के अंदर। हाँ, तो भैया आपको यहाँ पर जो है इमरजेंसी लाइट भी मिल जाएगी। देखो कितनी सारी इमरजेंसी लाइट पड़ी है। इनके प्राइस पता करेंगे, किस किस प्राइस के हमें ये पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई ये इमरजेंसी टॉर्च है, ये आपको 100 रुपए की पड़ेगी, ठीक है भैया। चार्ज होती है? हाँ, चार्जेबल है। चार्जेबल है, ठीक है। इस तरह की ये आगे है, ये ठीक ये है, साइड लाइट भी है, ये इधर भी जलती है। केवल 100 रुपए की पड़ेगी, ठीक है। और देखते हैं भैया क्या और कौन कौन सी है इसके बाद भैया। इसके बाद फिर आप इमरजेंसी लाइट लेंगे तो वो है 150 रुपए का, ये वाला। ये 150 रुपए की पड़ेगी भाई, ठीक है। ये बात चला के दिखाएंगे भैया, ये 150 रुपए की पड़ेगी, इमरजेंसी लाइट है, ठीक है। ये देखो इस तरह की, हाँ, कैरी कर सकते हो आप? बिल्कुल कैरी भी कर सकते हैं, तो ये बढ़िया है। ये 150 की पड़ेगी। और इसके बाद देखते हैं भैया, इसके बाद बढ़ते हैं तो इसके बाद कौन सा आएगा? और एक चार्जेबल बल्ब है, ये चार्जेबल बल्ब है, ठीक है। इससे लाइट जाती है ना, हाँ, तो ये ऑटोमेटिक चल जाता है, ये लाइट जाती है अपने आप जलेगा, ठीक है। ये कितने पड़ेगा भैया ये बल्ब? ये पड़ेगा आपको होलसेल में 150 रुपए का। होलसेल में 150 रुपए का, ठीक है। और देखते हैं भैया, ये 150 रुपए बता रहे हैं भैया, इसको बंद कर दें भैया और देखते हैं। ये क्या चीज़ है भैया? ये हेडलाइट है। ये हेडलाइट है, सर पे बांधने के काम वाम के लिए होता है। अच्छा, ये मान लो हेलमेट में रात को कोई रात के काम आती है, हेलमेट बनती है। ये कितने की पड़ेगी भैया? ये डबल वाली 300 रुपए का। ये डबल वाली 300, सिंगल भी आती है? हाँ, सिंगल लोगे तो 200 रुपए का आएगा। सिंगल वाली 200 की आती है, ये डबल वाली 300। भैया जलती कैसे जलाएंगे बात? देखो भैया जला के भी दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए व्हाइट लाइट, हाँ, ये गोल्डन लाइट, ये गोल्डन लाइट, दो लाइट, दो लाइट आती हैं। और देखते हैं भैया के पास और कौन कौन सी इमरजेंसी लाइट है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी भैया, ये सोलर वाली है सारी? ये चार्जेबल है, ये चार्जेबल है, ये 1 किलोमीटर की रेंज है। 1 किलोमीटर की रेंज की? 120 वॉट का एलईडी है भैया, एलईडी है 120 वॉट की। और भैया बता रहे हैं 1 किलोमीटर की रेंज? 1 किलोमीटर है।
ठीक है, क्या बात है, एक बार जला के दिखाएंगे। हाँ ये देखिए, ये साइड लाइट है, खाना वाना खाने के लिए, स्टडी के लिए काम आ जाएगा। ये आगे स्पॉट लाइट है। हाँ, ये किलोमीटर की रेंज है। किलोमीटर की रेंज है, क्या बात है। ये कितनी पड़ेगी भैया? ये आपको पड़ेगा 800 रुपए का। ये 800 रुपए पड़ेगी। और ये वाला है, ये सोलर वाली, धूप से सोलर वाली भी है। ये सोलर से चालू होती है, सूरज की रोशनी से, ये सूरज की रोशनी चालू होती है। भैया कितनी कितनी कितने की? ये 400 रुपए की होंगी। ये 400 रुपए पड़ेगी, क्या बात है। आप किसी जंगल वंगल में जाओ तो ये बढ़िया है। अपने मार्केट में कम से कम नहीं है 700-800 रुपए की सोलर वाली। आपको होलसेल मंडी में होलसेल की रेट लगा दूंगा, आपको 400 रुपए 400 रुपए लगा देंगे। भैया ये जो है, ये 550 रुपए का। इसमें क्या खास बात है? ये खास बात है सर, ये 120 वाट का ये भी है। हाँ जी, उसका साइज बड़ा है। हाँ, और ये एमरजेंसी टॉर्च भी है। नॉन सोलर है ये, नॉन सोलर है। ठीक है, और देखते हैं ये कितने की? ये भी है। ये कितने की? ये 450 का। ये 450 की पड़ेगी भाई। ठीक है, ऐसी बहुत सी लाइटें हैं। ठीक है, और ऊपर देखते हैं भैया, ये बड़ी बड़ी लाइटें, ये भी एमरजेंसी लाइटें हैं। हाँ, ये कितने की पड़ेंगी? एमरजेंसी लाइट स्टार्टिंग रेट है भैया 250 रुपये का। 250 रुपये, जल्दी जल्दी मैं आपको कवर कर देता हूँ। हाँ, वीडियो लंबी मिल जाएगी। 250 रुपये, 250 रुपये की। हाँ जी, और ये 220 रुपये की, 220 रुपये की। ये 350 रुपये की है, ये 350, और ये 450 रुपये डबल बैटरी के अंदर। ये डबल बैटरी में 450 की, उसके बैकअप ज़्यादा आ जाएगा। ये बड़ी वाली, ये बड़ी वाली है, 550 रुपये की, 12 घंटे की बैकअप। और ये जो ऊपर लगा रखा भैया आपने, ये कितने? ये वाला 750 रुपये का। ये 750 रुपये लाइट इसकी, 4 है क्या? हाँ, ये देखो। और इसमें एक आपका बेनिफिट और भी है, इसमें पावर बैंक भी है, फोन भी चार्ज हो जाएगा। फोन भी चार्ज हो जाएगा, 10000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। क्या बात है यार, ये बढ़िया बताया। अच्छा भैया, ये कौन सी है? ये स्टडी लैंप है। स्टडी लैंप है, ये कितने पड़ेगा भाई जी? ये पैन स्टैंड फोन स्टैंड में 400 रुपए की है। हाँ जी, और बिना पैन स्टैंड वाले 300 रुपए का। इसे पैन वैन रख सकते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा महंगा है। और ये कितने बताया आपने? ये 300 रुपए ओनली। ये 300 रुपए की, एक बार जला के देख सकते हैं भैया? बिल्कुल सर, बिल्कुल देखिए आप। अच्छा, ये टच वाला सीन है भाई। ये देखो जल गई। ठीक है, ये भी जल गई देखो। नाइट लाइट्स भी है। हाँ, और भैया ये कितने की पड़ेगी? ये भी 300 रुपए का। 300 रुपए इसमें, ये सेम चीज़ ही है? सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, थोड़ा मॉडल का फ़र्क है। तो भैया ऐसी चीज़ें रखते हैं। और भैया ये जो बोर्ड कितने का पड़ेगा? ये 80 रुपए की ओनली है। 80 रुपए का मात्र? ओनली 80 रुपए का, मात्र 80 रुपए। कितने खटके बने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 खटके हैं भाई। ठीक है, आपको ये 80 रुपए पड़ेगा। ठीक है, ऑन ऑफ का बटन यहाँ लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो भैया हमारे भैया की शॉप है, हमारे भैया भैया अपने लोकेशन बता दें थोड़ा सा। सर ये मेरा बिजली मार्केट भागीरथ प्लेस। हाँ जी, और नियर क्या नाम है आपका, पिपलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है। हाँ जी, ये मंदिर के सामने बैठा हूँ। महादेव के सामने बैठे हैं बिल्कुल। हाँ, हमारे और क्या ये आपका है? रामा ट्रेडिंग है। रामा ट्रेडिंग के बिल्कुल मेरा स्टॉल है। हाँ, 1877/1 बिल्कुल। तो हमारे भैया यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो भाई आपको यहाँ पर इस तरह की बिजली की आइटम मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे टॉप हो गया, होल्डर हो गया, कंडेंसर हो गए। भैया से पूछेंगे क्या क्या इनके प्राइस है और कहाँ कहाँ ये चीज़ें यूज होती हैं। ये तो भैया जी टॉप हो गए ना जी, इसे टॉप कहते हैं, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर जी टॉप है। ठीक है, ये कितने पड़ेंगे जी? ये डब्बा लेंगे तो आप 240 का बैठेगा डब्बा। कितने? 140 का? 240 का डब्बा बैठेगा। 10 पीस का डब्बा आएंगे, देखो इस तरह का डब्बे हैं। होलसेल काम है, होलसेल काम है। ठीक है, और देखते हैं आगे। ये छोटे वाला आ गया ना, ये भी 240 का बैठेगा डब्बा। ये भी 240 का, इसमें 20 पीस होंगे। इसमें 20 होंगे, यानी डबल हो गया हिसाब होता है जी। इसमें डबल लगभग एक पीस कितने पड़ गए? 12 रुपये का। 12 रुपये पीस पड़ गया। ठीक है, और अंकल जी स्विच कितने पड़ते हैं? ये बैट स्विच है। बैक स्विच है, इसे बैट स्विच कहते हैं। अच्छा अच्छा, 120 रुपये का डब्बा बैठेगा ये। बैड। अच्छा बैट, 120 रुपये डब्बा। कितने पीस आएंगे? 20 पीस आएंगे। लगभग कितने पड़ गया? 6 रुपये का। और अंकल जी होल्डर किस तरह के रहते हैं? ये 110 का डब्बा बैठेगा। अच्छा, 110 का। कितने? इसे पेंडेंट होल्डर कहते हैं। अच्छा, पेंडेंट होल्डर। ये 20 पीस का डब्बा है। 20 पीस का, 110 रुपये का डब्बा है। 110 रुपये का, यानी कि लगभग 5.5 रुपये पड़ेगा भाई। ठीक है, अंकल जी ये सेम चीज़ें? ये अलग है। ये अलग है, ये कितने का? इसको अडॉप्टर कहते हैं। अडॉप्टर बोलते हैं। हाँ जी, होल्डर अडॉप्टर। होल्डर, ये कितने पड़ेगा? ये 210 का डब्बा बैठेगा। 210 का, एक पीस लगभग कितने पड़ेगा? 10.5 रुपये का। 10.5 रुपये पड़ेगा। ठीक है अंकल जी, ये वाला? ये भी सेम रेट है। सेम रेट है, क्या बात है अंकल। बहुत सारे ऐसे होल्डर अंकल जी, ये क्या चीज़? एक ये एक ही मल्टी होल्डर होता है। हाँ, ये मल्टी होल्डर। ये कितने पड़ेगा अंकल जी? 120 रुपये का डब्बा है। 120 रुपये, कितने पीस आएंगे अंकल जी? 20 पीस आएंगे इसमें भी। 20 पीस आएंगे। ठीक है, इसमें दो तरह का आता है। ये दो तरह के आते हैं, देखो ये देखो इस तरह के आते हैं। ये भी होल्डर ही है ना? हाँ, दोनों होल्डर हैं। ये किस प्राइस पड़ेंगे जी? 170 का डब्बा बैठेगा। 170 का, 20 पीस का। 20 पीस आएंगे अंकल। ये मेल फीमेल वाला नहीं तो? हाँ जी, मेल फीमेल का डब्बा। हाँ, ये कितने पड़ेंगे जी? 180 का डब्बा बैठेगा 20 पीस का। खोल के दिखाना अंकल जी। ये देखो, ये मेल फीमेल है भाई। ठीक है, इस तरह का 180 का डब्बा है। 180 का, कितने पीस आएंगे जी? 20 पीसेस। एक पीस कितने पड़ गए? 9 रुपये का। 9 रुपये का, क्या बात है। और ये अंकल जी सेम प्राइस है? सेम प्राइस, चीज़ भी सेम ही है। हाँ जी, ठीक है।
क्या बात है, कॉल से। और ये अंकल, हाँ ये देखो, ये क्या बोलते हैं, 6 एम्पीयर मल्टीप्लग कहते हैं। अच्छा, ये कितने पड़ेगा? 120 रुपए का डब्बा है। 120 का डब्बा, 10 पीस का आता है। 10 पीस के आएंगे एक डिजाइन, इसमें ये भी है, ये भी है। ये देखो, ये सुंदर लग रहा है अंकल जी, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। ये कितने का है? 120 रुपए का डब्बा है। सेम प्राइस है, क्या बात है, सेम प्राइस है। और ये तो अंकल चाइना वाला नहीं वाला? तो हाँ, ये चाइनीज है, चाइनीज वाला है। ये 740 का डब्बा बैठेगा। 740 है, कितने पीस आएंगे? 60 पीस आएंगे उसमें। 60 पीस, लगभग एक पीस कितने पड़ गया? 12 रुपए के आसपास, समथिंग 12 रुपए के आसपास पड़ गया। ठीक है, और देखते हैं ग्लास। ये अंकल जी, ये वाले, ये टॉप है, टॉप ये कितने के पड़ेंगे? ये 180 रुपए का डब्बा बैठेगा, 30 पीस का पड़ेगा। एक पीस लगभग कितने पड़ गया? 6 रुपए के आसपास का, 6 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, क्या बात है। और अंकल जी बहुत सी चीजें हैं, ये देखो, ये फैंसी में, ये फैंसी में, ये कितने पड़ेगा अंकल जी? 130 का डब्बा, 130 का डब्बा, 20 पीस का, 20 पीस, 20 पीस का। ठीक है, इसमें वैरायटी काफी मिलेगी, देखो आप नीचे, ये देखो वैरायटी काफी है। और अंकल के पास ये भी है, अंकल ये कितने पड़ेगा ये डब्बा? ये दिखाता हूँ आपको, आ रहा हूँ ऊपर ही आ रहा हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये कितने पड़ेगा? ये डब्बा बैठेगा 10 पीस का डब्बा है, 10 पीस का डब्बा। ठीक है, 300 रुपए का, ये 300 रुपए का भाई। ठीक है, बना बनाया आ गया, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, जाके ऐड कर दो। ठीक है, ये अच्छा लगा। और देखते हैं ग्लास और क्या है। और एक ये बड़े वाला आ गया, बड़ा वाला 16 एम्पीयर का डब्बा है, 16 एम्पीयर का। ये कितने पड़ेगा? 220 रुपए का डब्बा बैठेगा। एक पीस कितने पड़ेगा लगभग? 42 रुपए का, 42 रुपए का, 42, 42 रुपए का, क्या बात है। और देखते हैं ये कंडेंसर अंकल जी, कंडेंसर इसमें, हाँ जी, कंडेंसर 2.5 का आता है, 2.5 का, 2.5 का आता है, हाँ जी, और 4 MD का आता है, हाँ जी। इस तरह से एक 600 रुपए का डब्बा बैठेगा 50 पीस का, हाँ जी, एक 700 डब्बा बैठेगा 50 पीस का, एक 800 डब्बा बैठेगा 50 पीस का, 2.5 कितने, एक पीस 12 रुपए 14 रुपए 16 रुपए, 12 रुपए 14 रुपए 16 रुपए, इस तरह के पड़ेंगे। ठीक है, और इस तरह के बने बनाए होल्डर भी आगे भैया के पास, ये देखिए, ये होल्डर है, होल्डर। ठीक है, ये किस पैसे पड़ेगा अंगली? लंबी तार होगी, लंबा तार है, ये छुड़ी वाला है, छुड़ी वाला है, ये 27 कहते हैं इसे, ये 27। ये कितने पड़ेगा अंकली? ये आपको 30 रुपए पड़ेगा, 30 रुपए का पड़ेगा मात्र, क्या बात मात्र है, मात्र 30 रुपए का पड़ेगा। और देखते हैं अंकल के पास और क्या है, बहुत चीज अभी तो अभी आइटम दिखाना स्टार्ट किया। हाँ अंकल, बहुत सारी चीज रखते हैं। एक ये देखिए, ये किस पैसे पड़ेगा? ये होल्डर है, स्क्वायर होल्डर कहते हैं इसे, हाँ जी हाँ जी। ये देखिए, ये किस पैसे पड़ेगा अंकली? ये डब्बा बैठेगा आपको 220 रुपए का, 220 रुपए, 10 पीसेस, एक पीस कितने पड़ेगा लगभग? 22 रुपए का, 22 रुपए का। और ये देखिए आप, ये देखते हैं फैंसी वाला, और देखते हैं एक ही होल्डर है, हाँ जी। ये कितने पड़ेगा? ये 140 का डब्बा बैठेगा, 140 डब्बा। कितने पीस आएंगे अंकल जी? 20 पीस आएंगे इसमें भी, 20 पीस आएंगे, क्या बात है अंकल जी। बड़े बड़े जो है ये कितने? हाँ वो भी ध्यान आ रहा हूँ, इसमें एक डिजाइन, ये इसे कोना डिजाइन कहते हैं हम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना, ये 240 का डब्बा बैठेगा, 240 डब्बा, 20 पीस इसमें भी, हाँ जी। और देखते हैं एक ये है, इसे हम लाइट टू पावर मल्टीप्लग कहते हैं, मल्टीप्लग बोल गए इसमें लगा दो, इसको हम लाइट टू पावर कहते हैं, हाँ जी अंकल जी। इसमें छोटा बड़ा दोनों प्लग लगते हैं, दोनों प्लग लगते हैं, हाँ जी। ये 10 पीस का डब्बा आता है, हाँ जी। ये डब्बा बैठेगा आपको 320 रुपए का, 320 रुपए का, क्या बात है। चलो और देखते हैं जी, एक ये देखिए, ये देखें, ये 2.2 का कहते हैं सर, ये 2.2, ये कितने पड़ेगा अंकल जी? ये आपको 5 पीस का डब्बा आता है, 5 पीस का, 550 रुपए का, 550 रुपए का आएगा, 110 रुपए का, 110 का एक पीस पड़ गया, हाँ जी, क्या बात है। और ये चार वाले भी हैं जिसमें, ये देखो ये दिखा रहे भैया, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसमें चार चीज लग सकती हैं आप, एक साथ 1 2 3 4, इसमें चार स्विच हैं, चार स्विच हैं, ये लगेगा आपका, ये कितने पड़ेगा अंकल सर? 95 का बैठेगा, ये 95 रुपये पड़ेगा, क्या बात है। ये देखो इस तरह के भी हमारे अंकल जी बल्ब रखते हैं, देखें क्या बात है। ये किस पैसे रहेंगे अंकल जी? ये गणेश जी जो बने हैं, स्वास्तिक है, स्वास्तिक है, स्वास्तिक है, स्वास्तिक है, ओम भी है, ओम भी है, ओम भी है, फोर कलर है, थ्री कलर है, हाँ, इसमें ओम इसरा स्वास्तिक का जो निशान बना वो, हाँ, इस तरह के बल्ब आएंगे, ये मिलेंगे आपको। ये किस पैसे पड़ते हैं? ये 1200 डब्बा बैठेगा आपको, 1200 डब्बा, एक पीस लगभग कितने पड़े? 100 रुपए का, समथिंग 100 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। और 150 का बिक जाता होगा आराम से आप जो भी सेल कर सकते हो भाई। ये अच्छा लगा, ये ना देखो स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, आप मंदिर में लगा सकते हैं, ठीक है। ओम का भी बना हुआ है, ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक ये टू कलर चल रहा है, हाँ जी हाँ जी, ये 55 रुपए का बैठेगा पीस, 55 रुपए अंकल। हाँ मैं आपको बता, नियर पिपलेश्वर महादेव मंदिर, हाँ ये महादेव जी का मंदिर है, नियर पिपलेश्वर, मैं बोल रहा हूँ, हाँ जी नियर पिपलेश्वर महादेव मंदिर, हाँ जी, पुलिस चौकी के पास, पुलिस चौकी के पास, गिरिराज इलेक्ट्रिकल्स, हाँ बिल्कुल, यानी कि महादेव के चौखड़े बैठे हैं हमारे अंकल जी, ठीक है, आप आ सकते हैं। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर ही बोल दें, 9291012833333, होलसेल में काम करते हैं, 333 होलसेल में काम करते हैं, सारे होलसेल में काम करते हैं हमारे अंकल जी, और महादेव के बिल्कुल बाहर बैठे हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।